सोगे, जैसे कि आपको पता है कि Realme Narzo 20 सीरीज को इंडिया की मार्केट में 21 सितंबर को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और अब की बार Narzo 20 सीरीज के अंदर आपको तीन नए स्मार्टफोन मिलेंगे, Narzo 20, 20A और 20 प्रो स्मार्टफोन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा Realme Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, जो एक हाई लेवल का स्मार्टफोन होगा Narzo 20 सीरीज के अंदर। और Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन कन्फर्म हो गई है। मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके कन्फर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन की और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन किस कीमत के अंदर इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो ये स्मार्टफोन काफी हद तक Realme 7 जैसा ही होने वाला है। मोबाइल फोन पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएगी। क्वाड कैमरे का सेटअप दिया जाएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। तो गाइज, ये स्मार्टफोन डिजाइन और लुक के मामले में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन होगा। अगर हम फ्रंट साइड यानी कि स्क्रीन साइज की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगा। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा, IPS LCD पैनल, पंच होल कटआउट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाले। गाइस, डिस्प्ले आपको सेम Realme 7 वाली ही देखने को मिल जाएगी, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलने वाला है। प्रोसेसिंग पावर की बात की जाए तो Narzo 20 Pro पर आप लोगों को MediaTek Helio G95 का एक लेटेस्ट और पावरफुल SoC मिलेगा। स्टोरेज और रैम वेरियंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज और दोस्तों 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। साथ में माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। गाइस, सेम प्रोसेसर आपको Realme 7 स्मार्टफोन पर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि डिस्प्ले और प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन एज इट इज Realme 7 की तरह ही रहने वाला है, आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन डिस्प्ले और प्रोसेसर के मामले में बढ़िया स्मार्टफोन होगा। बात करें मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की तो ये स्मार्टफोन क्वाड रियर कैमरे के सेटअप के साथ आएगा। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड और फोर्थ सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के मिलेंगे जो हमेशा से Realme के स्मार्टफोन पर यूज किए जाते हैं, यानी कि मैक्रो डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाएगा जो जिसकी प्लेसमेंट आपको पंच होल के अंदर मिलती है। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बढ़िया स्मार्टफोन होगा, जिससे आप एक बढ़िया पिक्चर और बढ़िया वीडियो क्वालिटी ले सकते हो। बात करते हैं मोबाइल फोन के पावर बैकअप की यानी कि बैटरी लाइफ की। तो ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आएगा। तो गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि सेम 4500 mAh की बैटरी आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन पर मिलती है, बट आपको ये भी याद होगा कि Realme 7 Pro स्मार्टफोन पर आपको 20,000 रुपये की प्राइस में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती थी। तो सेम एज इट इज वही 65 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाएगी। गाइज, मैं आपको बता दूं कि सबसे चीप स्मार्टफोन होगा जहां आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, यानी सबसे कम प्राइस में आने वाला इकलौता ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां आपको सबसे हाई फास्ट चार्जिंग मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि 4500 mAh की बैटरी के साथ Realme Narzo 20 Pro पर आपको 65 वाट के फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन पावर बैकअप के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा। Android 10 का सपोर्ट, Realme UI, सभी तरह के बेसिक सेंसर मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और गाइस फेस अनलॉक भी दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन पंच होल कटआउट और माइक्रो SD कार्ड के डेडिकेटेड स्लॉट के साथ भी आएगा। तो गाइस, अब सवाल उठता है कि स्मार्टफोन किस कीमत के अंदर इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में गाइस, मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको 15,000 से 20,000 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्मार्टफोन Realme 7 और Realme 7 Pro के बीच का एक स्मार्टफोन रहने वाला है। गाइस, बहुत ही कम चांस है कि ये स्मार्टफोन 15,000 के आसपास या 15,000 से कम ही लॉन्च किया जाए, क्योंकि इस मोबाइल फोन पर आपको एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलती है, जैसे कि 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन Realme 7 से करीब 1,000 से 1,500 रुपये ज्यादा हो सकते हैं। तो गाइस, अपना कीमती कमेंट मुझे देखकर जरूर बताएं कि ये स्मार्टफोन किस कीमत के अंदर इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन करीब 16,000 से 16,500 रुपये के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। तो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गए या नहीं। तो अपना कीमती कमेंट मुझे जरूर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।